अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने वाले हैं चिकन लेग पीस अफरोज की स्टाइल में। आ जाओ देखते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। चिकन की हमें ऐसी लेग लेना है पूरी अच्छी, बीच में से ऐसे कट लगा लेना है। ये देखिए, ऐसे अच्छे से साफ करके अच्छी तरह से धो लेंगे। चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, पानी अच्छी तरह से निकाल लेना। एक चम्मच तंदूरी मसाला, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा फूड कलर, ये आप अगर डालना चाहते हैं तो ही डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। एक नींबू का रस डालेंगे, हमें पूरा एक अक्खा नींबू यूज़ करना है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक वाटी दही डालेंगे, और दही में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। मैंने छन्नी में रख के पूरा पानी दही का निकाल चुकी हूँ, तो दही इस तरह से घट हो जाता है। नमक अपने अंदाज से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और आप कोई भी तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं। मुझे मसाले हाथ से मिलाने को ही अच्छे लगता है, हाथ से अगर मसाले मिलाऊंगी तो ऐसा मुझे लगता है कि मसाले एकदम अच्छी तरह से मतलब अच्छे से मिल गए। अभी ये लेग डाल देंगे ऐसे, और अच्छे से ऊपर ऐसे इसे कट में भी अच्छे से मसाला लगाएंगे। आप जितना हो सके उतना हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छे से मसाले मतलब हम लगा सकते हैं हाथ से। ये देखिए इस तरह से, मुझे चम्मच की आदत नहीं है, मैं हाथों से ही मसाला हमेशा कोई भी चीज़ में मतलब हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। ये देखिए अच्छे से मसाला लगा के हो चुका है। अभी हम एक घंटे के लिए इसे ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे। और दोस्तों, मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, जो रेसिपी मैं अपने घर में बनाती हूँ वही रेसिपी मैं आप लोगों तक का शेयर कर रही हूँ। ऐसे एक कढ़ाई लेंगे, अगर आपके पास में फ्रेंच पैच है तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसे कोई भी बर्तन में आप एक थोड़ा सा तेल डालिए, ऐसे आप तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हम एक एक करके लेग पीस रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐसा ऊपर से भी हम डालेंगे, और अच्छे से धीमी आंच पे इसे ढक कर हम पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक का अच्छे से ढक के पकाएंगे, फिर उसके बाद हम फिर पलटी करके फिर उससे 10 से 15 मिनट तक का फिर पलटी करके भी पकाएंगे। अच्छे से हम अल्टी पलटी करके पका लेंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से हमारी तंदूरी हो चुकी है। ऐसे करके हम गैस पे अच्छे से सेक लेंगे अल्टी पलटी करके। थोड़ा थोड़ा हम बटर भी लगाएंगे, अच्छे से ऐसा हल्का हल्का बटर लगाएंगे, और ऐसे धीरे धीरे। अच्छे से चारों बाजू से हमें सेक लेना है बटर लगा लगा के, और ये बगैर ओवन के बगैर तंदूर के ये मैंने तंदूरी बनाई हूँ। ये देखिए काफ़ी टेस्टी बनी है, इंशाल्लाह आप लोग भी बनाना ज़रूर।
ऊपर से थोड़ा चाट मसाला पाउडर डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैंने बारीक हरा धनिया काट के डाली। हमारी चिकन तंदूरी लेग पीस हो चुकी है। इंशाल्लाह आप भी बनाओ और दुआ में याद रखना। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छी अच्छी कमेंट करो। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और आ जाओ खाने के लिए।